आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में मैं ऐसे तो मैं सबके लिए अंगूठे वाली सॉक्स लेके आई हूँ तो देखिए ये डिज़ाइनर सॉक्स है दोनों साइड से मैंने यहाँ पर डिज़ाइन डाली हुई है ये वाली और ये पाँच और छः नंबर पैर के लिए मैंने इसमें बनाया है और यहाँ पर जो मैंने सिलाई में जो फंदे डाले हुए पचास फंदे हैं नॉर्मल मेरी फोर प्लाई ऊन है और यहाँ पर जो मैंने नीडल जो यूज़ किया हुआ है दस नंबर नीडल है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि डिज़ाइन मैंने किस तरह से डाली हुई है सबसे पहले तो हम यहाँ पे फंदे डाल लेंगे मैंने यहाँ पे सिंगल धागे से फंदे लिए हुए हैं तो टोटल यहाँ पे पच्चीस फंदों से मैं बता रही हूँ वहाँ पर मैंने पचास डाले हुए यहाँ मैं पच्चीस से बता रही हूँ आपको तो इस तरह से करते हुए हम पच्चीस फंदे डाल लेते हैं पहले फंदे डालने के बाद पहली सिलाई सारे फंदों को यहाँ पर हम सीधा सीधा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और दूसरी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे तो ये दो सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ पहली सिलाई सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेना है दूसरी साइड पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे सीधी लाइन उल्टे साइड से उल्टा लाइन फिर सीधी तरफ से आती हूँ यहाँ हमारी दो सिलाइयाँ कम्प्लीट हो गई अब देखिए किस तरह से बनेगी नौ फंदे में इधर डिज़ाइन के लिए रखेंगे नौ फंदे इधर डिज़ाइन के लिए रखेंगे अब बीच में जितने भी फंदे आएंगे सभी को हमें उल्टा उल्टा बनाना है तो किस तरह से ध्यान दीजिएगा पहले के तीन फंद, नौ फंदों में से पहले के तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के भी तीन फंदे उल्टे बनाएंगे और जो बीच में जो छः फंदे रहेंगे डिज़ाइन के उसे हमें सीधा बनाना है तो देखिए किस तरह से पहला फंदा तो हम उतार लेंगे यहाँ पे नौ फंदों में से पहला फंदा उतार लिए हमने एक उल्टा और ये दूसरा उल्टा ये जो पहले हमने स्लिप इस किया इसे भी हम उल्टे में ही काउंट करेंगे तो तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए धागा पीछे करेंगे यहां अब यहाँ से हम डिज़ाइन डालेंगे अब देखिए दो चार और ये छः इन छः फंदों में हमें डिज़ाइन डालना है तब क्या करेंगे सिलाई पीछे से ले जाएंगे और ये तीन फंदे हम आगे लाएंगे पीछे वाले फंदे आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा पीछे लेके चले जाएंगे तो सिलाई पीछे से डालेंगे अब देखिए इन तीन फंदों को हम पीछे साइड से सिलाई पे उतार लेंगे पहले इस पर सिलाई पर ले लिए अब आगे वाले फंदे को खोलेंगे और पीछे लेके चले जाएंगे इस तरह से उल्टे हाथ के सिलाई पे फिर से हमने इसे चढ़ा लिया और जो फंदे हमने पीछे से आगे किए थे इसे भी हम सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह से अब इन छह पंदों को हम धागा उधर करते हुए हम इन छह पंदों को सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छह इस तरह से हमने बना दिया अब धागा अपनी और करेंगे इधर से नौ फंदे पहले काउंट कर लेते हैं तीन छः और नौ तो बीच में हमारे रह जाते हैं तीन छः और एक साथ इन सात फंदों को पहले हम उल्टा बना लेंगे एक जैसे इसमें देखिए दोनों साइड हमने इस डिज़ाइन के लिए नौ नौ फंदे रखे हुए हैं नौ फंदे इधर हैं हमारे इतनी दूर की डिज़ाइन के लिए नौ फंदे इधर हैं और नौ फंदे इधर हैं फिर बीच में जितनी आएगी सभी उल्टी आएगी हमारी तो एक हमने उल्टा बनाया दूसरा उल्टा तीन चार पाँच छः और ये सात सात फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए देखें सात फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से धागा पीछे ले जाएंगे यहाँ पर काउंट कर लें आप तीन छः और नौ अब यहाँ पे देखिए फिर से हम इन छः फंदों में से फिर से पीछे का जो तीन तीन ये तीन फंदे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तीन फंदे हमारे लास्ट के उल्टे बनेंगे तब इन छः फंदों में से ये तीन फंदा ऐसे हम आगे लाएंगे हम। देख इन छः फंदों में से तीन फंदा पहले इन तीन फंदों को ले लेंगे एक दो और ये तीन लास्ट के फंदे को काउंट नहीं करना आपको अभी आगे का तीन फंदा पीछे लेके चले जाएंगे हम इस तरह से उल्टे हाथ के सिलाई पे अब ये जो फंदा हमने उतारा था वापस से इसे भी हम इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे उल्टे हाथ के सिलाई पे यानी लेफ्ट वाले निडल पे इस तरह से हमने इसे चढ़ा लिया अब धागा पीछे ही रखेंगे अब इन छह फंदों को हम सीधा बना लेंगे ये एक ही सिलाई की डिज़ाइन है उसके बाद फिर से हमारी चौथी सिलाई पे आके ये डिज़ाइन बनेगी है देखिए देखिए इधर हो गई अब धागा अपनी और करेंगे अब इन तीन फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे तो एक दो फंदे उल्टे बनाए लास्ट के फंदों को अब सीधा बना लें ताकि हमारे उधर से इसे उतारने में आसानी हो साइड हमारी चेन बनेगी तो जो शौक से सिलने में आसानी होगी और देखने में भी अच्छी लगेगी अब यहाँ से जितने भी हमारी फंदे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे डिज़ाइन के बाद ये हमारी दूसरी सिलाई है सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं डिज़ाइन बनाने के बाद उल्टे साइड से हमने सारे फंदों को उल्टा बना लिया तो ये हमारी दूसरी लाइन हो गई तीसरी लाइन तीसरी लाइन जो हमारे तीन फंदे आगे के इसे तो हम उल्टा बना ही लेंगे छः फंदों में से नौ फंदों में से तीन फंदे हमारे जब भी हम बनाएंगे इन तीन पंदों को हम उल्टा ही बना लेंगे पहले एक दो और पहले हमने उतारा तीन अब ये जो छः फंदे हैं इसे हमें सीधा ही बनाना है ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी रो है लेकिन इन छः फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस राउंड में हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे पाँचवीं सिलाई पर हमारी डिज़ाइन पड़ेगी ये देखिए दो तीन चार पाँच और ये छः फंदों को हमने जो छः फंदों को हमने ट्विस्ट किया था इन छः फंदों को आपको सीधा बना लेना धागा अपनी और करेंगे बीच में जितने फंदे होंगे सभी को आपको उल्टा बना लेना है सिर्फ लास्ट के नौ फंदों आपके चेंज हो जाएंगे छः फंदे उसमें से हम सीधा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे ये ध्यान रखना आपको अब आप देखिए इन तीन फंदों को छोड़ देंगे ये तीन हमारे लास्ट वाले उल्टे बनेंगे बीच में आपके छः फंदे आने चाहिए तीन तीन छः एक फंदा और उल्टा बना लेते हैं धागा उस करेंगे छः फंदों को सीधा बना लेंगे ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी लाइन है तीसरी लाइन में आपको सीधे वाले फंदे सीधे बनाने हैं और उल्टे वाले फंदे उल्टे बनाने ये ध्यान रखना आपको अब धागा अपनी ओर करेंगे तीन फंदे बच गए इसमें से दो फंदों को हम उल्टा बना लेंगे लास्ट का फंदा हम सीधा कर लेंगे ताकि हमारी ये चेन बनती हुई जाए साइड में उल्टे साइड से डिज़ाइन की हमारी चौथी रो है उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे उल्टे साइड कोई भी चेंज नहीं होगी हमारे उल्टे साइड जितने भी फंदे आएंगे सभी को उल्टा बनाना है आपको अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग डिज़ाइन की चौथी सिलाई हमारे उल्टी साइड से सभी कंप्लीट हो गई पांचवी सिलाई फिर से हम रिपीट करेंगे रो ओवर जैसे मैंने ये डिज़ाइन डाली हुई थी सेम उसी तरह से बनाने हैं तो लेकिन सबसे पहले इन तीन फंदों में से पहला फंदा को उतारेंगे छः फंदों में से अब दो फंदे उल्टे बना लेंगे तीन हो गए अब इन छः फंदों को फिर से हम ट्विस्ट करेंगे जैसे पहली बार किया हुआ था धागा पीछे करेंगे फिर से इन छह फंदों में से जो तीस ये जो तीन पंदे पीछे वाले इन तीन फंदों को आगे लाएंगे और ये वाले पंदे पीछे चले जाएंगे देखें यहां से पीछे क्या धागा उसे पकड़ ले अब यहां से पीछे से इन तीन फंदों को आगे लाएंगे छह फंदों में से एक दो और ये तीन तीन पंदे ने ले लिया और आगे वाले फंदे पीछे लेके चले जाएंगे पीछे वाले स्लाई में डाल लेना है आपको यानी लेफ्ट वाले है, हैंड पे उसके बाद जो ये वाली है इसे भी हम डाल लेंगे इसमें और इन छह फंदों को हम सीधा बना देंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि पहली वाली मुड़ी हुई है हमारी ये दो तीन चार पाँच और ये छः पंद्रह मैंने सीधे बना लिए देख सकते हैं कि डिजाइन हमारी बनने लगी है और धागा आगे करते हुए जो नौ फंदे छोड़ लास्ट के छोड़ते हुए बीच में जितने भी फंदे आएंगे सभी को आपको उल्टा बना लेना है सिर्फ ये फर्स्ट और लास्ट वाले जो नौ फंदे उसी में आपको चेंजिंग करनी है बाद बाकी जितने भी बीच के फंदे आएंगे सभी को उल्टा बनाना है और उल्टे साइड से जितने भी फंदे होंगे हर बार हम इसे उल्टा ही बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब देखिए इन तीन फंदों को छोड़ देंगे अब देखिए छः फंदे आ गए तीन और तीन छः इसमें से इन तीन फंदों को इस तरह से लेंगे पहले एक दो और ये तीन देखें इन तीन को छोड़ते हुए अब आगे वाले तीन को पीछे लेके जाना है ये फंदा आगे चढ़ा लेंगे हम यहाँ से हम इन पंदों को इस तरह से बना लेंगे छः फंदे हमने सीधे बना लिए धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ से इन तीन फंदों को उल्टा बनाना है लेकिन इसमें से दो ही फंदे उल्टे बनाएंगे हम और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे हम इस तरह से ठीक है उल्टे साइड सारे फंदों को उल्टा बनाएंगे सीधे साइड फिर से आएंगे हम फिर दिखाती हूँ आपको अब सीधे साइड आ गए अब सीधे साइड देखिए अब इन छः फंदों में से पहले के तीन फंदे हमें उल्टे बनाने हैं तो सबसे पहला फंदा हम इस तरह से ये करेंगे धागा अपनी ओर करेंगे यहाँ पे दो फंदे उल्टे बना लेंगे एक और ये दो धागा उस ओर करेंगे इन छह फंदों को इस बार डिज़ाइन नहीं डालेंगे यहाँ पे हम सीधा बना लेंगे डिज़ाइन की तीसरी लाइन डिज़ाइन बनाने के बाद ये तीसरी सिलाई में जब आप आएँगे इन छः फंदों को हमें सीधा बना लेना है इन छः फंदों को हम सीधा बना लेते हैं देखिए फिर धागा अपनी ओर करेंगे डिजाइन बनती भी जा रही है देख लें फिर यहाँ पे बीच में जितने भी फंदे आएंगे सभी को उल्टा बना लेना है आपको हर पांचवी सिलाई पे आपको डिज़ाइन डालना है ये ध्यान रखना है आपको जैसे तीसरी सिलाई हो गई चौथी सिलाई फिर उल्टा बनाएंगे फिर पांचवी सिलाई आएगी हमारी फिर डिज़ाइन डालेंगे हम तो देखिए तीन इधर तीन तीन छः एक और बनेगी उल्टा धागा पीछे छः फंदों को सीधा बना लेते हैं एक दो तीन चार पाँच और ये छः धागा अपनी और करेंगे इन तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे आप चाहे तो तीनों फंदों को उल्टा बना लिया या फिर लास्ट का फंदा आप सीधा बना ले इस तरह से किया हमने धागा पीछे करेंगे एक फंदा इसे सीधा बना लेंगे ठीक है फिर उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा बनाना फिर सीधे साइड से आएंगे फिर पहला फंदा उतारेंगे दो फंदों को हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे फिर इन छह फंदों में ट्विस्ट करेंगे पीछे का फंदा आगे लाएंगे आगे वाले तीन फंदे पीछे ले जाएंगे बीच में जितने भी फंदे आएंगे सभी को उल्टा बनाना है फिर से उसी तरह से करेंगे इन तीन तीन फंदों को छोड़ते हुए फिर इन छह फंदों में से पीछे का फंदा आगे लाएंगे और ये फंदा पीछे लेके जाएंगे फिर ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे हम उल्टा बनाएंगे उल्टे साइड से उल्टा फिर सीधे साइड से जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से तो चलिए अब आगे किस तरह से बनेगी इसमें अंगूठा कैसे निकालना वो मैं आपको दिखा दूँ अब देखिए यहाँ से अंगूठा बनाने के लिए हम यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेंगे तो आपको ये किस तरह से नापना है कि अंगूठे तक हमें रेडी हो गई है हमारी डिज़ाइन तब क्या करें इस तरह से इसे रखें और जहाँ से हमारा अंगूठा शुरू होता है वहाँ तक आप इसे नाप लें तो इसे खींच के नापेंगे हम देखिए इस तरह से रखेंगे अंगूठा जहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है ये जो हमारे कट भाग दिख रहे हैं यहाँ तक आपको बुनना है उसके बाद अंगूठा हम शुरू करेंगे तो इस तरह से रखेंगे हम बुन लेंगे और इसे खींचते हुए नापेंगे देखिए इस तरह से इसे रखना है और खींचते हुए नापना है पूरा यहाँ तक आ जाना चाहिए तो आराम से यहाँ पर पिछले भाग तक आ जा रही है देखिए यहाँ तक अब इतना बुनने के बाद हम अगर इसमें धारियाँ काउंट करना है तो देखिए मैं धारियाँ दिखा देती हूँ क्योंकि सबके हाथ के बुनाई अलग अलग होती है कोई लूज़ बुनते हैं कोई टाइट बुनती है तो मैं धारियाँ दिखा देती हूँ कि मेरी धारियाँ कितनी तक कंप्लीट हो गई है अगर इसे भी काउंट करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और ये बत्तीस बत्तीस धारियाँ टोटल हमारे बन के आई हैं और ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाई ये कितनी मुड़ी हुई बनी हुई है वो देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह हमने ये बनाई है आप अपने पैर के अनुसार बना लें जहाँ तक मैंने नाप बताई है वो नाप आप कर लें ताकि परफेक्ट आए क्योंकि मैं थोड़ी सी लूज बुनाई करती हूँ देख सकते हैं बहुत लूज है ये अब उल्टे साइड से मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगी उसके बाद फिर अंगूठा और उंगलियाँ निकालना है मुझे तो चलिए उल्टे साइड से पूरी सिलाई हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से लेंगे पूरी सिलाई हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे अब कोई भी डिजाइन नहीं डालेंगे अब हम अंगूठे की साइड से हम सीधा सीधा बनाते हुए अंगूठा बनाएंगे उल्टे और सीधे का पूरी सिलाई उल्टा बना लेंगे सीधी तरफ आ गए देखिए अब सीधी तरफ में से यहाँ पे हमारे पचास फंदे पचास फंदों में से हम अठारह फंदों को उंगलियों के लिए रखेंगे सॉरी अंगूठा के लिए रखेंगे और जो हमारे यहाँ पे रहेंगे बाकी के बत्तीस फंदे वो हम रखेंगे उंगलियों के लिए तो सबसे पहले हम अंगूठा निकालेंगे देखिए पहला अंगूठा हम इधर निकाल रहे हैं अभी और इधर उंगलियाँ जब दूसरा सॉक्स बनाएंगे तो इधर हम फंदे छोड़ देंगे और इधर पहले हम अंगूठा निकाल लेंगे फिर बाद में हम उंगलियों की बुनाई करेंगे ठीक है तो चलिए अठारह फंदे यहाँ से बुनते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पहले इसकी लंबाई फिर कैसे घटानी है फिर आगे उंगली वाली दिखाऊंगी तो चलिए इस तरह से पहले हम अठारह फंदे बुन लेते हैं तीन फंदे चार हो गए पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह ये अठारह फंदों को फिर हम अब इन अठारह फंदों को हम यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ पे हम इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेते हैं उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी बनाते हुए इसकी हम चौदह से पंद्रह लाइनें कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये अंगूठे की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी आप अपने अंगूठे के अनुसार बना सकते हैं एक दो लाइन अगर लंबी है ज़्यादा आपके अंगूठे तो थोड़े से और ज़्यादा बढ़ा लें आप नहीं तो चलिए तेरह से चौदह लाइनें कंप्लीट करती हूँ फिर आपको आगे दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी ये जो हमने बनाई हुई थी अंगूठे के लिए थी हमारी कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे मैंने चौदह लाइनें कंप्लीट कर ली है यहाँ से लेके कर यहाँ तक सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी अब यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाएंगे आप चाहे तो दोनों साइड दो फंदे एक करके घटा लें दो इधर और दो इधर तो मैं इस तरह से नहीं करूँगी यहाँ पर क्या करेंगे देखिए दो का एक करते हुए पूरी लाइन हम घटाएँगे पहले इस तरह से फंदा क्रो से सॉरी सिलाई पे रहने देंगे फिर दो का एक करेंगे फिर से दो का एक करेंगे दो का एक करेंगे दो का एक करना है पूरी सिलाई दो का एक करते हुए जाएंगे हम इस तरह से सीधी तरफ से जो भी फंदे हैं सभी को सीधा बना लेंगे हम पहला फंदा उतार लेंगे सारे फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से हमने कर लिए अब इधर से देखिए ये एक फंदे के ऊपर से सारे फंदे हम गिरा देंगे उल्टे साइड से ये फंदा लेंगे इसके ऊपर से गिराएंगे ये फंदे को पकड़ के रखना है ताकि खुल ना जाए सारे फंदे इसके ऊपर से गिराते हुए जाएंगे हम ये हमने गिरा लिए। अब ये धागे को लंबा खींचेंगे और इसके अंदर से निकाल लेंगे इस धागे को इसके अंदर से इस वाले फंदे को आप बुन भी सकते हैं इस तरह से धागा को इधर कर लेंगे ऐसे हमने इसे बुन लिए अब यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे इसे अब यहाँ पे धागे को काट लेंगे थोड़ा सा लंबा काटेंगे इसे हम ताकि सिलाई भी करने के लिए हमारे पास बच जाए धागे अब इसे हमने इसे खींच दिया और इसे टाइट कर लिया इस तरह से तो देखिए हमारे अंगूठी की सेप आ गई है गोलाई में अब देखिए यहाँ से हम फिर से अभी उंगलियों के लिए बुनाई करेंगे तो यहाँ पर हम धागा लगा लेंगे इन सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे पहली लाइन में यहाँ से हम धागा जोड़ लेते हैं इस तरह से लेंगे इस धागे को इधर लेके चले जाएंगे फिर से इस धागे को इधर ले लेंगे दबाते हुए चलेंगे अब क्या करना है कि ये सिलाई पूरी हम सीधी बना लेंगे पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे जो हम अंगूठा उंगलियों के लिए बना रहे हैं और उल्टे साइड से उल्टा उसके बाद सीधी तरफ से आ रही हूँ उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है चलिए तो देखिए यहाँ पे मैंने बत्तीस फंदे रखे हुए थे और यहाँ पे अठारह फंदे तो बत्तीस के यहाँ पे मेरे फंदे हैं तो तैंतीस फंदा करना है हमें तो एक फंदे से हम दो फंदा यहाँ पे बना देंगे तो यहाँ पे मेरे एक फंदे बढ़ जाएंगे तो फंदे घटाने में आसानी होगी इसे फिर इधर से घुमाते हुए बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे एक फंदा मेरा बढ़ गया अब सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे और दूसरी सिलाई भी हम सॉरी उल्टा नहीं सीधा बना लेंगे दूसरी सिलाई उल्टा बनाते तो हुए तीसरी सिलाई पर आती हूँ जब सीधा बनाएंगे तब तो। अब देखिए एक सीधी तरफ से हमने सीधी लाइन बना ली और उल्टी तरफ से उल्टे तो दो लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद ये तीसरी सिलाई में हम यहाँ पे फंदे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे तैंतीस पंदे एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया तब यहाँ से पंद्रह फंदे को उधर बुनेंगे उसके बाद बीच में जो हमारे तीन फंदे रहेंगे उन तीन फंदों में से हम फंदे को घटाएंगे तो देखिए किस तरह से एक फंदा उतार लेंगे यहाँ से पंद्रह फंदे को बुनेंगे तो एक उतार लिया दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये पंद्रह पंद्रह फंदे हमने बुन लिए पंद्रह इधर भी छोड़ देंगे हम देखिए दो चार छः, आठ दस बारह चौदह और एक पंद्रह बीच में हमारे तीन फंदे रह जाएँगे अब तीन फंदों में से देखिए जो बीच का फंदा है जो बीच का फंदा देखें पहले इस फंदे से बीच वाले फंदे सर इसे इस तरह से उतारेंगे हम इसे सिलाई पर चढ़ाएंगे इस तरह से घुमाते हुए और एक ये वाला फंदा तीन फंदे लेते हुए हम यहाँ पे तीन का एक कर देंगे तो इसे भी हम वापस सिलाई पर चढ़ा लेंगे पीछे साइड से तीन का एक कर देंगे हम देखें यहाँ पर हमें अभी एक फली सी बन गई जब भी हम फंदे घटाएंगे इस फंदे के अगल बगल के फंदे को लेते हुए घटाएंगे ये फंदा एक उससे पहले का फंदा और एक उससे बाद का फंदा इन तीन फंदों में ही हम फंदे को घटाएंगे अब जितने भी फंदे बचे हुए हैं सभी को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेते हैं और उल्टे साइड से उल्टा तो चल चलिए फिर सीधी साइड आती हूँ फिर दिखाती हूँ तो देखिए सीधी साइड आ गए अब यहाँ से चौदह फंदों को बुनेंगे उसके बाद हम फंदे को घटाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे चौदह फंदे टोटल बुनने हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह चौदह फंदे हमने इधर बुन लिए चौदह फंदे इधर भी छोड़ देंगे हम दो चार छः आठ दस बारह और ये चौदह बीच में तीन फंदे आ गए देखिए ये वाले फंदे के इधर वाले और इधर वाले फंदे इसे ही हमें घटाने हैं तो जो फंदा हमने घटाया है पहले इस फंदे से हम इस तरह से लेंगे ये फंदा और इसके पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार लेंगे आगे के साइड से जैसे हम बुनते हैं अब इसे वापस से फिर इसे सिलाई में इस तरह से घुमाते हुए चढ़ाएंगे और एक और इस साइड के फंदे को ले लेंगे टोटल तीन फंदों को एक साथ लेते हुए पीछे साइड से तीन का एक कर देंगे तीन का एक कर दिया फिर बाकी बचे जितने भी फंदे हैं सभी को सीधा बना लेंगे उल्टी साइड से पूरी रो उल्टा बना लेते हैं फिर सीधे साइड से दिखाती हूँ तो देखिए सीधी साइड आ गए हम यहाँ पे तेरह फंदों को हमने बुन लिया दो चार छः आठ दस बारह और एक तेरह और फिर से देखिए फली वाली डिज़ाइन के अगल अलग बगल के फंदे को हम यहाँ पे घटाएंगे तो इस तरह से पहले जो फंदे को हम घटा रहे हैं उस फंदे से हम इस तरह से घुमाएंगे फंदे को वापस इस सिलाई पे चढ़ाना है हमें एक फंदा और लेते हैं पीछे साइड से तीन का एक कर देना है हमें तो इसी तरह से घटाते हुए जैसे मैंने अंगूठे की बारह से चौदह लाइनें बनाई है आपको भी इसी तरह से घटाते हुए चौदह लाइनें बना लेनी है उसके बाद फिर हम इन फंदों को बंद करेंगे तो सिलना सिखाएंगे आपको अब इसके बाद क्या करना है आपको देखिए फिर यहाँ पे हम ग्यारह बारह फंदे बुन लेंगे उसके बाद जैसे इस लाइन में हमने तेरह फंदे बुनने के बाद घटाया अगली लाइन में बारह फिर ग्यारह फिर दस जब तक आपके ये जो लाइनें दिख रही हैं जैसे यहाँ पे लाइनें कितनी कंप्लीट हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात तो और इस तरह से कर लेते हैं हम उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ घटाते हुए जाए जब तक आपके बारह लाइनें या तेरह लाइनें कम्प्लीट ना हो जाए अब देखिए आप फंदे को घटाएंगे आखिरी बार तो यहाँ पे दो चार छः आठ और ये दस दस फंदे बुनने के बाद एक बार और घटा लेती हूँ उसके बाद हम घटाएंगे नहीं फंदे को अब देखिए ये वाली जो फली वाली फंदे दिख रही है आपको ये वाला फंदा फिर इस तरह से लेंगे पहले इस वाले फंदे को इन दो को इस तरह से उतारेंगे वापस से सिलाई पे चढ़ाना है हमें और एक फंदा और पीछे वाली ले लेंगे और इन तीन का एक कर देंगे इस तरह से अब इधर भी आपके दस फंदे बच गए हैं दो चार छः आठ और ये दस इनको हम सीधा सीधा बना लेते हैं और उल्टे साइड से सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से हो गई हमारी ये देखें अगर ये वाली देखते हैं तो कितनी लाइनें बनी हुई ये वाली लाइन जो हम सीधी दिख रही है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और एक ही ग्यारह ये वाली जो फली वाली लाइन हमारी ग्यारह दिख रही है अब उल्टे साइड से हम दो का एक करते हुए सारे फंदों को बंद कर देंगे दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक किया वापस से फंदा चढ़ाएंगे फिर से दो फंदे लेंगे दो का एक किया वापस से चढ़ाएंगे इस तरह से सारे फंदों को हम बंद कर लेते हैं पहले चलिए बंद कर लेती हूँ फिर सिलने का तरीका दिखाती हूँ आपको तो देखिए कुछ इस तरह से ये बन के आया है अब इसे हम ऐसे कर लेंगे और इसे पलट लेंगे इस तरह से सीधा भाख रखेंगे इसे पलट लेंगे पलटते हुए देखिए इसकी सिलाई करेंगे हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे इसे चलिए आपस में चेन से चेन मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेते हैं सिलते हुए दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल सिलाई करेंगे हम तो देखिए अंगूठा यहाँ से यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है अब यहाँ पे ये यह जो धागा हमने काटा हुआ था अब ये भाग इस तरह से फोल्ड करेंगे देखिए ये जो निशान दिख रही है आपको ये वाली फली इसे इस तरह से रखेंगे ऐसे बराबर करना है और यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे फिर यहाँ आपस में एक दूसरे को मिलाते हुए हम ग्रे कलर से फिर इसकी सिलाई करेंगे इधर आधा सिलना है हमें तो देखिए हमने इधर से इसकी एड़ी भी सिलाई कर ली है अब क्या करना है ये भाग से आधा करेंगे इस भाग को देखिए इस भाग से आधा भाग हम इधर खुला छोड़ देंगे एड़ी तरफ का भाग इधर और आगे से यहाँ से लेके कर यहाँ तक हम इसकी नॉर्मल सिलाई कर लेंगे तो चलिए सिलाई कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको तो यहाँ पे देखिए हमारी सॉक्स बन के रेडी हो गई है ये हमारे राइट पैर के है यानी राइट लेग की ये वाली है और दु जो दूसरा जो सॉक्स बनेगी वो लेफ्ट की होगी तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है कितनी प्यारी लग रही इस इस है इस डिज़ाइन की वजह से इसमें और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है देखिए तो चलिए इसे पैर में भी डाल के दिखा देती हूँ कि कैसे लगेगी तो देखिए यहाँ पर पैर में मैंने डाल के दिखा दिया आपको कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है कहीं भी ना ये लूज़ है ना टाइट है देख सकते हैं चारों तरफ से बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है यहाँ अंगूठे के पास भी ना टाइट है कुछ भी नहीं एकदम बहुत ही आरामदायक है ये तो आप भी इस तरह से बनाएं हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ थैंक यू